भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे अमर रहे। क्योंकि महिला एक ऐसी सोच है, जब वो चलती है तो एक तरफ चलती है। तीनों इलेक्शन हुए हमारे, इतने शौचालय पूरे देश भर में बने हैं, ये ताकि आज हमारी जो मातृशक्ति है वो सम्मान से जी सके और सम्मान से अपने आप को आगे लेके जा सके। काम किया था जो अपनी योजना का था, वो था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो था, जिसमें इतने सारे शौचालय बने शहर से लेकर गांव के घर पर नहीं है, वो कैसे इस अपनी लज्जा को छुपाएंगी। तो ये भारत का वो बेटा जिसने अकेला भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं कि भैया आज के बाद जब भी असेंबली होगी, कॉरपोरेशन होगी, एमपी पार्लियामेंट होगी, उसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया है। वार्ड नंबर 33 में तो अटल जी का आज जन्मदिन है। हम सब ने मिलकर यहाँ पर अटल जी का जन्मदिन मनाया है और साथ में बूथ जन संवाद भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तीन बूथों का हमने यहाँ कार्यक्रम रखा था, बूथ नंबर 39, 40 और 41 का। और यहाँ सब लोग, यहाँ पर तीनों बूथों के लोग आए हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष अतुल बख्शी जी इस कार्यक्रम में थे और इसके मुख्य वक्ता जो आज के वक्ता थे विकास भट्टी जी, उनका यहाँ मार्गदर्शन हुआ है अतुल जी का भी। और हमारे तीनों जो बूथ प्रेजिडेंट्स हैं यहाँ इस तीनों बूथों के, उन्होंने भी अपना अपना बात रखी है और हमने अट्रैक्शन की है, लोगों से समस्याएं सुनी है, क्या क्या किनको स्कीमें मिल गई हैं, किनको 18 ट्रेड्स में आई है, हर एक आदमी उस स्कीम का लाभ ले सके। जिस तरह आयुष्मान स्कीम हर एक जम्मू कश्मीर के वासी को मिली है, इसी तरह ये विश्वकर्मा जो योजना है ये भी हर एक आदमी हर परिवार ले सकता है और एक राशन कार्ड पे एक आदमी को ही उसका लाभ मिलेगा। मैं यही आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा, ये जो विश्वकर्मा योजना है इसका लाभ हम सब लें, अपने खिदमत सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और अपने कार्यकर्ताओं से अप्रोच करके, हमारा जो ओबीसी मोर्चा है जम्मू कश्मीर का और हर डिस्ट्रिक्ट का, वो इस स्कीम को आगे ले जाकर लोगों तक ले जा रहा है। हम भी अपनी वार्ड में उसके अलग अलग हम कैंप लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति तक जिसको आज किसी मोदी स्कीम का लाभ नहीं मिला, इन स्कीमों का उनको भी लाभ हम दिलवा सकें।